गाइस जितने भी लोग स्ट्रीम देख रहे हैं दिस इज फॉर यू गाइस द द माय रियल स्टोरी ऑफ द फेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड दैट आई हैड ठीक है सो so, हुआ ऐसा था कुछ शुरू करते हैं वेरी हाई हाई करंट लग रहा है मुझे चप्पल कहां है मेरे छोड़ो ऐसे सुन लो मैं थोड़ा इसमें अर्थिंग का प्रॉब्लम है ना इसीलिए गाइस ऑल राइट गाइस थोड़ा हेडफोन निकाल देता हूं मैं थक गया हूं बोल-बोल कर

सो so, हुआ ऐसा था कि शी यूज़ टू लिव वेरी क्लोज टू मी लाइक मेरे घर से सिर्फ वी बाय द वे हम लोग एक ही ट्यूशन हाँ ट्यूशन वेरी जब ये बाय द वे कब था मैं बताता हूँ आई वॉज इन नाइन्थ स्टैंडर्ड में नौवीं क्लास में था एंड नाइन्थ एंड टेंथ ठीक है वी वेर इन सेम ट्यूशन वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी हम दोनों के बीच में हाँ वी आर इन द सेम ट्यूशन हमारे दोनों के बीच में वहाँ पर ये चीज़ शुरू हुई थी हमारी सेम ही टी हमारी टीचर भी काफ़ी लाइक like, उन, उनको देख कर केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा लगता था शी यूज टू ऑल्सो टॉन्ट कि क्या है क्या है निब्बा 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 येस येस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ठीक है बट द थिंग इज़ वाई एम आई सेंग दस वन बिकॉज क्योंकि मैं उस टाइम पर भी मैं यूट्यूब करता था मैं उस टाइम पर क्लैश रॉयल खेलता था लाइक इट दिस इज़ बिफोर इन दिस इज़ इन टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन आई गेस हाँ आई गेस इसके अराउंड ही है जब मेरा अपने यूट्यूब चैनल में एक्टिव था तभी मैं अपनी क्लैश रॉयल गेम खेलता था सो वट हैप्प वॉज कि मैं हम लोग ट्यूशन जाते थे मैं अच्छे से अपना वही यार बच्चा दिमाग क्यों क्यों वो गर्लफ्रेंड बनाई बिकॉज मैं ये शेयर कर रहा हूँ इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल चीज़ फॉर थिंग फॉर मी हिंदी में बोलो ओके ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा घातक भरी चीज़ हो सकती है मेरे लिए बट मैं स्टिल शेयर कर रहा हूँ आई डोंट नो इसका आउटकम क्या होने वाला बट आई एल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू वाइस ठीक है जो भी आप लोगों को बताना चाहूँगा सो मैं चैट अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ आई वॉन्ट टू सीरियसली लाइक स्पीक ठीक है सो so, हुआ ऐसा था कि हम लोग हम लोग एक ही ट्यूशन्स में थे वी यूज टू स्टडी आई मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में नाइन्थ एंड टेंथ में मैं काफ़ी अच्छा था सो so, हुआ ऐसा था कि नाइन्थ स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड में वैसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था काफ़ी पढ़ाई में मैं अच्छा था बट मैं ध्यान नहीं दे पाया ज़्यादा पढ़ाई में सो इन नाइन स्टैंडर्ड आई गॉट नहीं उल्टा बोलती हूँ नाइन्थ में पढ़ाई में अच्छा था नाइन्थ में आई गॉट फिफ्टी टू परसेंटेज बिकॉज मेरा फर्स्ट लाइक like, हम लोग का लाइक like, चालू हुआ था रिलेशनशिप इन द नाइन स्टैंडर्ड एंड वहाँ काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, था।, था। लाइक मैं चॉकलेट्स लेके जाता था घर पे से पैसे ले लेकर फिर छोटी छोटी पाँच पाँच रुपए की चॉकलेट्स लेके जाते हैं एवरीथिंग जो भी जो भी निबा निबीस करते हैं या फिर जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स करते हैं स्टार्टिंग में आई शु डू एवरीथिंग विथ हर सो लाइक नॉट एवरीथिंग बिकॉज हम लोग सिर्फ टेंथ स्टैंडर्ड में थे एंड आई डिड नॉट नो कि क्या क्या चीज़ें होती है गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स के बीच में सिर्फ वो घड़े गो भेड़ बकरी की चाल में कैसे गुज जाते कि गर्लफ्रेंड चाहिए वैसे गर्लफ्रेंड हम लोग वैसे उसी भेड़ बकरी की चाल में मैं भी गुजरा कि मैं भी गर्लफ्रेंड पटाऊंगा सो so, इसीलिए मैं भी वैसे सब हो गया चालू सो so, uh, हम लोग ने फिर लाइक जैसे जैसे चीज़ें होती हैं वो वो करा एंड ज़्यादा मैं लाइक like, इतना हम लोग में नहीं गए लाइक like, इतना डीप नहीं गए रिलेशनशिप में लाइक like, हम लोग सिर्फ लेसन्स uh, पढ़ते थे एंड वही सब चीजें और आगे कुछ नहीं हुआ सो so, एक साल लाइक टेंथ स्टैंडर्ड के एंड तक ये हमारा रिलेशनशिप चला एंड देन एट द एंड उनको थोड़ा लाइक like, वो तो हम लाइक फर्स्ट निबंध में क्या होता है ना कि हम लोग तो शादी करेंगे सीधा दिस इज माय ट्रू लव दिस इज द अल्टीमेट इसके आगे और कुछ नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया था थोड़ा मैं मोटा था उस टाइम पर दिखने में भी इतना कुछ स्मार्ट नहीं दिखता था फिर ऐसा हुआ कि इलेवेंथ स्टैंडर्ड में आई हैड टू टेक साइंस या फिर उसका कुछ, ऐसा कुछ तो गड़बड़ हो गया जिससे उसका क्लासेस चेंज हो गया एंड मेरा भी क्लासेस चेंज हो गया मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं था कि आई हैड टू डू मेरे फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छे नहीं था कि मैं क्लासेस अफॉर्ड कर पाऊं, टू बी ऑनस्ट ठीक है तो उसने अपने क्लासेस ज्वाइन कर लिए स्टिल हम लोग का रिलेशनशिप चल रहा था हाँ ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं थी लाइक वी वीज टू टॉक हाँ मैं नाइन स्टार्टर मेरे पास फोन नहीं था तो मैं अपनी मम्मी के मोबाइल से उनको मैसेज करता आई स्टिल रिमेंबर हर मदर्स मोबाइल नंबर टू बी ऑनेस्ट क्योंकि वो मेरा फर्स्ट लव था एंड उसके मम्मी का मोबाइल नंबर एंड मेरे मम्मी का मोबाइल नंबर लाइक बहुत रिजेम्बल करते थे तो मैंने वो नींद रटा है वो फ़ोन नंबर इतना पागल था मैं मतलब मेरा एक स्टार्टिंग से ऐसा कि लाइक like, मैं जिसके पीछे घुस जाता हूँ वो चीज़ का पूरा पूरा रस ना निकलता तो मैं घुस ही जाता हूँ सो मैंने उसका अभी मैं अगर बोलने को बोलेगा ना मैं बोल दूंगा वो नंबर बट आई डोंट आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड चॉइस टू मेक एनी उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी क्लासेस अलग होंगे थे ठीक है सही uh, रिलेशनशिप चल रहा था सो so, थोड़े थोड़े दिनों में uh, हुआ ऐसा कि मैंने उसको उनको भी उसको पता था कि मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ गेम खेलता हूँ मेरी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लग रहा बिकॉज एक बार टू बी ऑनेस्ट वेरी ऑनेस्ट जितने भी लोग शार्ट में देख रहे हैं एट द एट यंग एज इफ़ यू अगर आपको जल्दी के एज में लाइक छोटी एज में अगर आप पैसों का लोभ बोलते हैं या फिर पैसों का अगर आप पैसे कमाना लगते हो लाइक वाइल प्लेइंग द गेम क्लाश रॉयल मैं आराम से पर मंथ फोर थाउजेंड रुपीज़ कमाता था एट दैन इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड लाइक टेंथ स्टैंडर्ड से ही मैं कमाता था, था पैसा मैं क्या करता था ना लाइक इट इज़ इ ठीक है क्लैश रॉयल में इलीगल है ये चीज़ है वट आई यू टू डू कि मैं टॉप वाले बंदों जो होते हैं मतलब इन शॉर्ट जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो लोग अपना अकाउंट आई डी पासवर्ड मुझे देते हैं ठीक है मैं उनका आईडी पासवर्ड लेकर मैं उनको रैंक पुश करता था उनके और क्लैश रॉयल में टॉप लीडर बोर्ड में लाता था इंडिया के अंदर ठीक है एंड मेरा काफी नाम था क्लैश रॉयल मैंने इतनी खेली है कि मैं कॉलेजेस में इवेंट्स होते थे क्लैश रॉयल के लाइक फिफ्टी रुपीज दो एंड विन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड रुपीज सो मैं काफी ऐसे ऑर्डर्स करता था एंड काफी पैसे कमाने का कोशिश करता था हर एक जगह से सो so, दिस वॉज एंड काफ़ी सारे लोग यार काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे ठग ऑल्सो नोज दैट टाइम एड बिट ठग यू नो राइट नाव लाइक हम लोग ऑलरेडी उस टाइम से हैं हम लोग एक साथ द माफिया जो एड बिट माफिया है वो भी क्लाश ट्रोवेल्ल इतना खेलते थे सो क्लाश ट्वेल्व में क्लाश ऑफ क्लान से मेरा इतना मन नहीं लगा बट क्लाश ट्वेल्व वॉज द गेम जहाँ पर मैंने बोला कि नहीं टूट देंगे फिर मैंने खुद के लिए एक मोबाइल ख़रीदा ठीक है फिर फिर अभी ये मैंने बैकग्राउंड बता दिया मेरे क्लाश ट्वेल्व का सो सी शी न्यू कि मैं गेम्स वगैरह खेलता हूँ मैं यूट्यूब वगैरह करता हूँ प्राइवेसी के लिए ब्लॉक कर देता हूँ हाँ तो उनको पता उनको पता था कि मैं गेम वगैरह खेलता हूँ मैं यूट्यूब वगैरह करता हूँ तो यूट्यूब में क्या होता है उनको मैंने लाइक आई वाज वेरी ओपन कि हाँ मेरे यूट्यूब पे इतने पैसे आते हैं लाइक like, मेरे पे व्यूज व्यूज भी मेरे को कितने पता है थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड ऐसे आते थे वो भी कभी पता है जब इंस्टेंट मैंने कोई चैलेंज आई हो गेम के अंदर और मैंने इंस्टेंट खेली उसको जीता उसका वीडियो बनाया वो अपलोड करी फॉर द ऑडियंस तो उस टाइम पर मेरे को दो हज़ार हज़ार लाइक व्यूज़ आते थे तो इट वॉज नॉट इनफ ऑब्वियसली करेक्ट तो उसको दिखता था ये सब मे बी तो धीरे धीरे उन्होंने डिस्टेंस करना चालू करा मेरे साथ एंड uh, अपने क्लासेस उसके ऑब्वियसली अलग हो गए थे तो ऑब्वियसली उनके दोस्त भी होंगे वहाँ पर एंड उसी के दोस्त में से एक लड़का था जिसके पास वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी आई डोंट नो व्हाट वाज इट एंड बट मुझे नोटिस कर रहा था मैं ये सभी चीज़ें दिस वॉज इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड वन सेकेंड मैं नोटिस कर रहा था कैसे हो रही हैं चीज़ें सो जस्ट टू ब्रेकअप जस्ट टू लाइक मेरे से अलग होने के लिए वो लड़की वो उस लड़के के साथ फोटोज़ इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती है यानी शी यूज टू लाइक आई यूज टू गेट मेंटली टॉर्चर्ड कि यार ये क्यों कर रही ये सब आई फील ठीक है चलो ब्रेकअप करने के बाद वे वो फोटोज डालते तो कितना बुरा लगता है यू इज़ नो है ना बहुत बुरा लगता है कि अगर वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो चार दिन हुए हैं शी इतना और वो किसी और के साथ फोटोज डाल रही है आई डोंट नो उसको मुझे जलाना था या क्या करना था बट ब्रेकअप uh, करते करते आई आई ट्राइड स्टिल आई ट्राइड कि वो जब एग्जाम देने जाती थी मैं उसको मनाने के लिए उसके बिल्डिंग्स के पीछे जाता था मैं उसके कॉलेज में जाता था एंड उसको मैं मनाता था कि क्या हो गया मेरे से गलती ऐसा बताओ मुझे क्या हो गया क्या हो गया बताओ मैंने क्या गलती करी तो uh, बता तो नहीं पाई वो बट उसने एक चीज़ ऐसा बोली कि मुझे ये लाइन याद है कि उसने ऐसा बोला था दिस इज़ द मेन रीज़न दैट आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू गाइज मेन रीज़न ये था कि शी सेड तुम यूट्यूब करो ऐश वॉज गुजराती है सर वाई दाई सो तुम शी साइड कि यार तू यूट्यूब पे गेम खेलता है गेम खेल के तू मेरा हाथ मांगने आएगा क्या वो और उसके जो वो बॉयफ्रेंड था मुँह बुलाया फिर पता नहीं वो कौन था वो लड़का वो बंदे ने भी मुझे ये टॉन्ट मारा है लिटरली इतनी बहस हुई थी मेरे और उस लड़के के बीच में कि तुम क्यों बीच में पढ़ रहा है तो उस लड़के ने भी मुझे ये डायलॉग मारा डायलॉग ये था मुझे अभी भी याद है तो गेम खेल के इसके माँ बाप के सामने अपना इसका हाथ मांगने जाएगा क्या दिस वॉज द लाइन आई स्टिल रिमेंबर कुछ दिन के बाद आई डिसाइडेड कि माँ की ख़त्म अपने को ग्राइंड करना है इतना गेम में यूट्यूब पे ग्राइंड करना है नॉलेज गेन करना है कि क्या है क्या नहीं ये निब्बा नब्बी वाली चीज़ें मुझे नहीं घुसना है